Welcome to Study Point. Today we'll discuss about quadrilaterals. आप लोगों ने जो आज तक पढ़ा है, quadrilateral is a figure having four sides. It is a closed figure containing sides. Please ध्यान रखिएगा, is also a closed figure. But it is not closed with the sides, containing side. It is just with the curve. It is not a quadrilateral, it is a quadrilateral. आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास जो quadrilaterals होते हैं बहुत सारे तरीके होते हैं. सिंपल quadrilateral आपने पढ़ा है, parallelogram आपने पढ़ा है, rectangles आपने पढ़ा है, rhombus आपने study किया है, square आपने पढ़ा है, ट्रेपेजियम आपने पढ़ा है और आपने काइट भी पढ़ा होगा या हम अब पढ़ेंगे. तो दीज आर द सम स्पेशल क्वाड्रिलेटर्स. तो इस चैप्टर में यही हम पढ़ेंगे कि ये क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. तो हमारे पास क्या है, हम बेसिक क्वाड्रिलेटर को तो जानते हैं कि भाई हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है और उसमें फोर साइड्स होते हैं, फोर वर्टिसेस होते हैं, टू डायगोनल्स होते हैं, फोर एंगल्स होते हैं. ये हमने पढ़ा. अब हम बात करेंगे स्पेशल क्वाड्रिलेटर. स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम किसे कहते हैं और इसमें क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल, ये कहिए इसे क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम. Then it has four properties. First, both pairs of opposite sides are parallel. Suppose here we have a parallelogram A, B, C, D, where A, B is parallel to CD and AD is parallel to BC. You can say both pairs of opposite sides are parallel. Second, both pairs of opposite sides are equal. So they are equal in length. Agar ye aapke paas 10 cm hai to ye bhi 10 cm. अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा. थर्ड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. इफ इट इज 100 इज ऑल्सो 100 एंड इफ इट इज 80 इज ऑल्सो 80. अब ये आपको मालूम होगा कि अगर ये हमारे पास लाइंस पैरेलल हैं तो दीज आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल एंड देयर सम इज 180. तो अगर एक मालूम है तो दूसरा आपको मालूम हो जाएगा. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ये बस. तो ये जो आपके पास डायगोनल्स होंगे, एक डायगोनल ये है ए सी और एक डायगोनल ये है बी डी, तो ये जो कट करते हैं ये इनका मिड पॉइंट होता है. मतलब ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है. अगर ये सपोज करो 12 और ये सपोज करो 14 है तो ये इसका हाफ हो जाएगा 7 और ये इसका हाफ हो जाएगा 6. तो दीज आर द फोर
बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसमें भी ये ध्यान रखिएगा ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो हर पैरेललोग्राम में होगी। अगर आपसे कह रहा है इन ए पैरेललोग्राम तो आपसे ये कभी नहीं प्रूव कराएगा प्रूव दैट बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हाँ, पैरेललोग्राम में आपसे ये प्रूव करा सकता है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बिकॉज जब पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो लाइंस तो पैरेलल होनी ही होनी है इफ इट इज गिवन दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास है, तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स।